हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ हरिद्वार के स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में और आज जो मेरी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही स्पेशल। जी हाँ, बहुत ही स्पेशल। उसका रीज़न ये है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ट्रेवल करूँगी फर्स्ट एसी में। तो मेरा फर्स्ट एसी का एक्सपीरियंस कैसे जाने वाला है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जिस ट्रेन में मैं ट्रेवल करूंगी उसका नाम है योगा एक्सप्रेस, जो कि चलती है योग नगरी ऋषिकेश से अहमदाबाद तक। हरिद्वार पर इसका पहुंचने का टाइम है दोपहर को 3:50 का और ये पहुंचा देती है अहमदाबाद। लेकिन मेरी जो जर्नी होने वाली है वो होगी दिल्ली शाहदरा के स्टेशन तक। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, फर्स्ट एसी का कोच है, फर्स्ट टाइम है, सो लेट नहीं होना है। फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रही हूँ तो एक्साइटमेंट बहुत बरकरार है। बहुत कुछ खाने पीने का मैंने यहाँ से पैक करवा लिया है बिकॉज़ टाइम कम है, 3:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भोजनालय और ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो एक्साइटमेंट तो है ही कि कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए और जल्दी पहुंचना है। और बहुत कुछ ट्रेन में बैठ के खाना है, क्या क्या खाने वाली हूँ मैं वो तो मैं आपको ट्रेन में बैठ के ही दिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी करते हैं, कहीं हमारी नहीं मिस नहीं करनी है, उल्टा जल्दी पहुंचना है। आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन का अराइवल जिसका लोकोमोटिव है WAP-7 वडोदरा शेड का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आ चुकी है हमारी ट्रेन और मेरा जो कोच है वो है HA-1 और इसमें जो हाफ कोच है वो है सेकेंड AC और हाफ कोच है फर्स्ट AC। तो मेरा जो कोच है वो उस साइड से आया है, काफ़ी भागती भागती आई हूँ मैं। तो जल्दी करते हैं, ट्रेन के अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेन का इंटीरियर शानदार वाला। ये हमारे कोच का स्टार्टिंग पॉइंट, हमें जाना है बी कूप में। ये देखिए कर्टेन लगा हुआ है, वाओ, कर्टेन से एंट्री हुई है। यहाँ पे कूप जो है वो दो लोगों का होता है, तो आई एम ट्रैवलिंग विद माय हस्बैंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बंदों की सीट गिवन है, पिलोस और बेडशीट गिवन है ऑलरेडी और ब्लैंकेट्स भी रखे हुए हैं। सामने आप मिरर में मुझे देख सकते हैं और अगर आपने कुछ सामान रखना है तो आपके पास ऊपर स्पेस दी हुई है। चार्जिंग के दो दो सॉकेट्स दिए हुए हैं। सीट नंबर है 5 और 6 और यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए टेबल ट्रे दी हुई है। कर्टेंस है, वाओ, शानदार व्यू भी देख सकते हैं बाहर का। और यहाँ पे आपको कुछ भी हैंग करना हो तो कर सकते हो। आई टोल्ड यू कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रेवल कर रही हूँ, तो ये है मेरे हस्बैंड। तो आज हम लुत्फ़ उठाने वाले हैं व्लॉगिंग का स्टेशन ट्रेन के अंदर से ही। मोस्टली स्टेशंस को हम अंदर से ही कवर करने वाले हैं। साफ सुथरा शीशा, मज़ा ही आ गया। मतलब बहुत बहुत खुश हूँ मैं कि मैं फ़र्स्ट एसी में ट्रेवल कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम। एंड आई होप इफ़ यू सपोर्ट माय चैनल तो डेफिनेटली आगे जितनी भी जर्नीज होंगी मैं फ़र्स्ट एसी में भी किया करूँगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू ऑल्सो कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स टाइम हो चुका है हमारी ट्रेन का, चलिए आइए मैं आपको इसका डिपार्चर दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इसलिए मैंने हरिद्वार में ही स्टेशन पे जो रिफ़्रेशमेंट रूम था वहाँ से बहुत कुछ लिया है खाने पीने को और अब रहा नहीं जा रहा, भूख बहुत लग रही है। तो चलिए आइए टेस्ट करते हैं कि वो खाने का सामान कैसा है, खाना वो खाना कैसा है टेस्ट में। और चलिए आइए आपको भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स मैंने लिया है रिफ़्रेशमेंट रूम से मसाला डोसा और ये सांभर। सांभर के नाम पर सिर्फ पानी है, कोई मुझे इसमें वेजिटेबल नहीं दिखा। अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट में डोसा तो ठीक है, सांभर तो जैसे मैंने बताया पानी ही है, सो आई विल गिव 5 मार्क्स।
तो फ्रेंड्स, सांभर और डोसा का रिव्यू तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। एवरेज ही थे, बस खाने लायक था, बाकी बहुत ही बकवास टेस्ट था, खा गई बस मैं किसी तरह। और उसके बाद मैंने वहीं से ही ली है कचौड़ी, तो कचौड़ी के साथ मैंने चाय भी ली है। चाय तो ऑब्वियस सी बात है मैंने ट्रेन में से ही ली है। तो अब देखते हैं कि कचौड़ी का टेस्ट कैसा है। इसका रिव्यू मैं नहीं दूँगी, मेरे हस्बैंड देंगे, खा के बताएंगे कि कचौड़ी का टेस्ट कैसा है, तो उन्हीं से पूछते हैं। इसका टेस्ट एवरेज है, इसके अंदर फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। और डोसा सांभर भी और मसाला डोसा भी पुअर ही था, और ये भी एवरेज ही है, इसके अंदर फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल एम्प्टी। ओ माय गॉड, तो बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर क्वालिटी। ना मुझे मसाला डोसा पसंद आया, ना मुझे कचौड़ी पसंद आई। रीज़न आपको पता ही है कि उसमें स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल खाली था। बस ये था कि फॉर द टाइमिंग चल गया, पर भूख उससे बिल्कुल भी नहीं मिटी है, क्योंकि वो बिल्कुल ही खाली था। तो रिव्यू तो मैं एडवाइस नहीं करूँगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कुछ ना हो खाने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप कुछ ना होने से तो अच्छा यही है कि कुछ तो ले लीजिए। अब देखते हैं कि अभी हमारे पास और रिज़र्व में क्या क्या है। अभी भी रिज़र्व में मैंने वहीं से समोसा भी लिया है, तो आई होप समोसे में आलू हो। ये जो ट्रेन का कर्व देख रहे हैं आप, कितना बड़ा कर्व है ये, मतलब मैंने लाइफ में पहले कभी इतना बड़ा कर्व नहीं देखा। हरिद्वार आए और गंगा मैया के दर्शन ना कराएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आइए, मैं आपको गंगा मैया के दर्शन करवाती हूँ। ठीक रुड़की के स्टेशन से पहले होंगे ये दर्शन हमें। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं रुड़की के स्टेशन पर, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या है 3। रुड़की के स्टेशन पे हमें हमारी ट्रेन ने 8 मिनट पहले पहुंचा दी है। IIT रुड़की यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, और IIT रुड़की को तो कौन नहीं जानता। IITs में इसका एक अलग ही स्थान है, एक अलग ही रुतबा है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं तपरी जंक्शन के स्टेशन पर, और यहाँ हमें हमारी ट्रेन ने 8 मिनट पहले पहुंचा दी है। इसे जंक्शन क्यों कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिन ढलने को आ गया है, और हमारे पास जो समोसे हैं अब उसको टाइम आ गया है ट्राई करने का कि वो कैसे हैं, क्योंकि पहले बहुत कुछ खा लिया था। तो अब समोसे ट्राई करते हैं, कहीं ये ना हो कि वो ख़राबी हो जाए। तो अब मैं आपको देती हूँ समोसे का रिव्यू।
समोसे में स्टफिंग है, जैसा समोसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, तो आई विल गिव 7 मार्क्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से लिया है टोमेटो सूप, 2 टोमेटो सूप लिए हैं, एक में ब्रेड क्रम्स भी डलवाए हैं और अमूल की क्रीम भी डलवाई है, और एक विदाउट क्रम्स और विदाउट क्रीम, सो दैट हम दोनों का टेस्ट कर सकें कि कैसा है। सो लेट्स टेस्ट। कांट गिव अ रिव्यू। टोमेटो सूप मैंने बहुत बार टेस्ट की है, ट्रेन्स में भी टेस्ट किया है, शताब्दी में, वंदे भारत में, यहाँ तक कि घर पे भी नॉर वाला पिया है, उसके सामने ये तो मुझे लग ही नहीं रहा ये टोमेटो सूप है। बाहर अंधेरा बहुत हो चुका है तो बाहर तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ट्रेन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रेवल कर रही हूँ फ़र्स्ट एसी में, तो इट वॉज़ एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। फ़र्स्ट एसी में सफाई तो ऑब्वियसली बात है होगी बाकी कोचेस के कंपैरेटिव, बट यस अगर आप बात करते हैं राजधानी की तो फिर राजधानी तो राजधानी ही है, वहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट यूनिक पेंटिंग्स देखने को मिलती है जो कि इसमें नहीं मिली आपको। प्लस अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाना पीना यहाँ पे हमने पैनेट्री कार से तो था नहीं, आपका पर्सनल था जो आपने बाहर से ऑर्डर किया, तो हमने खाना बाहर से ही ऑर्डर किया और उसका रिव्यू तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इट वॉज पथेटिक। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा वाला खाना मिलेगा, अदरवाइज रिफ्रेशमेंट रूम्स जो भी स्टेशन पर होते हैं वो काफ़ी अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं, बट आई डोंट नो मतलब ऐसा क्यों था, वहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन नहीं की हुई थी, समोसा भी एवरेज था, कचौरी तो आपको देख ही चुके हैं बेचारे बिल्कुल ही खाली थी, है ना। मसाला डोसे में डोसा वॉज ओके, बट द सांबर मतलब वो दैट वॉज विदाउट वेजिटेबल्स, इट वॉज ओनली पानी पानी। सूप जो हमने पिया वो तो बिल्कुल ही मतलब जस्ट वन सूप का जो आप कह सकते हो वन सिप आई हैव टेकन, उसके बाद ऑल वेस्ट है ना, तो आई डोंट लाइक वेस्टेज ऑफ फूड, बट द क्वालिटी जो है वो मेंटेन होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा नहीं होता। सूप मैंने ट्रेन से ही परचेज़ किया था, जो वेंडर आया था उसने डिस्पोजेबल ग्लासेस में हमें दिया, आई वॉज थिंकिंग कि वो थोड़ा ना शताब्दी और वंदे भारत से जब आप सफ़र करके आते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रॉपर क्रॉकरी में आपको सूप मिलेगा, है ना, वो ब्रेड स्टिक्स के साथ, बट ये था कि आपको डिस्पोजेबल ग्लास में दे रहा है बंदा और ब्रेड क्रम्स बीच में डाल के दे रहा है, तो मतलब अजीब सा ही सूप था वो। मैंने पहले ऐसा टोमेटो सूप आज तक नहीं पिया, क्योंकि घर पर भी आप नॉर वगैरह का पीते हैं, खुद बना के पीते हैं, तो ऑब्वियसली वो टेस्टी ही होता है, उसका तो टेस्ट ही कुछ और है ना, तो ये तो मुझे लगा ही नहीं किसी एंगल से कि सूप था, ऐसा लग रहा था कोई मसालों मसूलों में आपने पानी डाल के दे दिया, तो दैट वॉज अ टेरेबल एक्सपीरियंस। बस बाकी चीज़ें अगर मैं कहूँ वॉशरूम वगैरह तो वो भी ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट एसी है तो क्लीन ही है, अच्छे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे साथ ये जो जर्नी है वो बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मेरे चैनल पे आपको हर तरह का कंटेंट और हर तरह की जर्नी देखने को मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, मेमू ट्रेन में या डेमू ट्रेन में ट्रेवल करना हो या फिर जनरल कोच का सफ़र हो, हर तरह की जर्नी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये साथ बहुत पसंद आ रहा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू सपोर्ट माय एफर्ट्स माय चैनल आल्सो। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन शाहदरा दिल्ली के स्टेशन पर, यहाँ पर हमें हमारी ट्रेन ने 5 मिनट पहले पहुंचाया है। उम्मीद है आपको हमारे साथ ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे नेक्स्ट व्लॉग तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहें।